अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज ही हमें ये प्लेट स्पून खाली खाली क्यों दिखा रही है। तो आज जनाब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम जो बनाने जहाँ हमने बनाया है बना चुके हैं चिकन खौसे। चिकन खौसे हमने बनाए हैं। चिकन खौसे की आप सबसे पहले देख लें गार्निशिंग। ये आती है गार्निशिंग। गार्निशिंग के साथ हमारे पास अभी एक चिप्स का पैकेट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जी हाँ गाइज, ये हमारे चिप्स के पैकेट हैं जो कि ओपन हो जाएंगे और ये यहाँ पे साथ में आ जाएंगे गार्निशिंग के। गार्निशिंग में हमारे पास है हरी मिर्ची, हरा धनिया, लेमन, अदरक, चाट मसाला, भुने हुए प्याज ब्राउन क्रिस्पी क्रिस्पी, और ये हमारे पास क्रिस्पी क्रिस्पी लहसुन फ्राई जो होता है लहसुन फ्राई। ये जब टेस्ट में आता है ना बड़ा मज़ा आता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं चिकन मेमनी खौसे खाती कैसे हूँ। बनाने की रेसिपी तो फिर कभी आपसे नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे, इस दफ़ा हम आपको दिखाएंगे कि हम खाते कैसे हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये हमारे आ गए स्पैगेटी। टन टन स्पैगेटी जो होते हैं वो होने चाहिए आपके खिले खिले, अलग अलग, एक एक स्पैगेटी अलग अलग सेपरेट सेपरेट हो, चिपके हुए ना हो, ठीक है। तो गाइस हम क्या करेंगे, ये तो मेरे हाथ धुले हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं, आप लोग स्पून यूज़ कर लीजिएगा। ये हमने यहाँ पे प्लेट में लगा दिया, ये हमने थोड़े से लगाए। अब हम ये थोड़े से और ले लेते हैं अपने पेट के हिसाब से। ये हमने लगा दिए, अब बाकी और भूख लगेगी तो और ले लेंगे। अच्छा जी, इसका कैप कर गया, ये रहा, इसको हम कैप कर देते हैं वापस। ये हमारे आ गए स्पैगेटीज। अब आप देखिएगा इसके ऊपर मैं क्या करती हूँ। तो जनाब सेकंड चीज़ जो है वो है हमारी कड़ी। ये देखें टन टन कड़ी। अच्छा लोग थोड़ी पतली रखते हैं मोस्टली, लेकिन मेरी कड़ी थोड़ी गाढ़ी होती है। अभी बनाए हुए मुझे थोड़ा आधा घंटा हो गया, मैं बना के शावर लेने चली गई थी। ये हमारी कड़ी है, ठीक है। अच्छा जी, ये कड़ी हम इसमें डाल देंगे ऐसे, इसको अच्छे से फैला देंगे। कड़ी ज़्यादा हो ना तो मज़ा ही आ जाता है। ये कड़ी दी हमने, ये इसकी रेसिपी बहुत डिटेल्ड है, बहुत देर लगती है ये बनाने में, मुझे एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तो लग जाते हैं। तो इसलिए गाइस इसकी रेसिपी थोड़ी सी मुझे एडिट करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और फिर मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि इसको शॉर्ट करके मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं ये कैसे बनाती हूँ। वैसे तो आप लोगों को गूगल पर मिल जाएंगे। और इसकी खड़ी की खुशबू सो यम, मुँह में पानी आ रहा है मेरे तो भाई। अब देखें मैं थर्ड चीज़ क्या करती हूँ। जी गाइस, ये हमारी थर्ड चीज़ ये आ गई, ये है मीट कड़ी, ठीक है। अब हम दिखाएंगे आपको कि हम मीट कड़ी कैसे डालते हैं। ये देखें, इसको थोड़ा सा मिला लेंगे, और ये हमने लिया 1 स्पून मीट कड़ी का, ये हमने ऊपर इसके ऐसे डाल दिया। खाया नहीं मैंने आपको, ऐसे डाल दिया। ये देखें गाइस ऐसे छोटा, अच्छा मैं और ले लेती हूँ और डाल दिया, ये ऐसे हो गया। जी गाइस, तो अब बारी आती है हमारी गार्निशिंग की। गार्निशिंग हम करेंगे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं डाल दूंगी लेमन। लेमन ना हो ना खौसे में, खौसे का मज़ा ही मतलब आता ही नहीं है, समझे आप। ऐसा है लेमन का टेस्ट, लेमन तो बहुत ज़रूरी है खौसे के लिए। ये हमने डाल दिया लेमन। जी गाइस, तो अब मैं थोड़े से अदरक ले लूँगी, अदरक थोड़े से अदरक डाल दूँगी इस तरीके से, ठीक है। मैंने थोड़े अदरक डाल दिए। मैं थोड़ा हरा धनिया लूँगी, हरा धनिया डाल दूँगी, देख सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ी मैंने हरी मिर्ची लेनी है, थोड़ी मैंने हरी मिर्ची डाल देनी है। अब ये देखें कितना मज़े का लग रहा है। ये मैंने थोड़ा लहसुन लेना है, लहसुन डाल है, लहसुन इज़ माय फेवरेट। जो फ्राइड लहसुन होता है ना दाल में, और ये सो यमी। अच्छा जी, फिर मैंने डालने ये क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज, इसको मैं हिला के फिर क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज डालूँगी, ताकि वो मुँह में आए ना तो उसका क्रिस्पीपन फील हो। ये मैंने डाल दिया चाट मसाला, और फिर ये चिप्स हैं, ये भी मैं एंड में डाल के आपको दिखाती हूँ।
गाइस तो देखेंगे मैंने इस तरीके से हिला लिया है। अब मैं इसके ऊपर प्याज डाल लूँगी ताकि इसका क्रिस्पी बन भी ना मुझे फील हो, प्याज का, फ्राइड प्याज का। मैंने बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई किए हैं और इसके ऊपर इन द एंड हम अपनी ट्विक चिप्स डालेंगे। देखिए सो यम, ये देखें थोड़ा शेडो आ रहा है। ओहो 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 ये मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, इस पानी देख सकते हैं मेरा हाथ थोड़ा मूव कर रहा है। चिकन खाऊ से, चिकन मेमली कड़ी खाऊ से इनको कहा जाता है। इसके ऊपर हम अपनी चिप्स डाल देंगे। फाइनल लुक ये देख सकते हैं आप गाइस, कितना ज़बरदस्त यम्मी सा है। इट्स फाइनल लुक। ये हमारी गार्निशिंग, एवरीथिंग इज डन। हाफिज़ गाइस, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हाफिज़।